अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप सब खैर आफियत से होंगे और जहां कहीं भी होंगे एक खुशो खुरम जिंदगी गुजार रहे होंगे। सेकेंड एनुअल एग्जामिनेशन सरगोधा यूनिवर्सिटी और पंजाब यूनिवर्सिटी के हो रहे हैं। सरगोधा यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स तो स्टार्ट हो चुके हैं और पंजाब यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट होंगे। उस सिलसिले में हमने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताना स्टार्ट किए हैं और अब तक हम कुछ सब्जेक्ट्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता भी चुके हैं। आज जो हमने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताने हैं वो हमारे पास फाइनेंशियल अकाउंटिंग के हैं, बीकॉम पार्ट वन की फाइनेंशियल अकाउंटिंग। सबसे पहले जो हमारे पास इम्पोर्टेंट टॉपिक आ रहा है या चैप्टर आ रहा है वो है हमारे पास जनरल एंट्रीज, लेजर और ट्रायल बैलेंस। सरगोधा यूनिवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी दफा इन्होंने यहाँ से क्वेश्चन जो है ना पेपर में दिया है। पंजाब यूनिवर्सिटी में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन सेकेंड एनुअल एग्जामिनेशन में एक दो दफा पंजाब यूनिवर्सिटी भी इसको पेपर में टेस्ट कर चुकी है, तो आपने किसी सूरत भी ये क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से सरगोधा यूनिवर्सिटी में तो लाजमी आएगा और पंजाब यूनिवर्सिटी में भी अगर आप करेंगे तो बेसिक्स आपकी स्ट्रांग होंगी और आप नेक्स्ट क्वेश्चन इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं। जनरल एंट्रीज के पास जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है वो चैप्टर नंबर 8 है। सुहेल अफजल की बुक है और उसका चैप्टर नंबर हमारे पास 8 है। चैप्टर नंबर 8 दो पोर्शन पर मुश्तमिल है, एक हमारे पास कैश बुक है और दूसरा हमारे पास बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट है। जहां तक बात है कैश बुक की, पंजाब यूनिवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, दो तीन दफा टेस्ट कर चुका है। सरगोधा यूनिवर्सिटी में उसने अभी तक इसको टेस्ट नहीं किया लेकिन अगर आप एक दफा इसको प्रिपेयर कर लें तो आपके लिए बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट सीखना आसान हो जाएगी। दूसरा टॉपिक है बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। सरगोधा यूनिवर्सिटी और पंजाब यूनिवर्सिटी दोनों के लिए ही सबसे हॉट टॉपिक है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 20-20 मार्क्स का क्वेश्चन दोनों में से लाजमी वो पूछेगा। इसमें तीनों मेथड है, आपने सिंपल मेथड से भी करना है, उसके बाद रिवाइज कैश बुक से भी करना है आपने, और डबल बैलेंस मेथड से भी बैंक रिकॉन्सिलेशन सॉल्व करनी है। क्वेश्चन जहां तक इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 4 है, 5 है, 12 है, 13 है, 16, 17, 19, 22, 25 और 26, ये क्वेश्चंस आपने लाजमी प्रिपेयर करने हैं। ज्यादा फोकस आपने इस चैप्टर में बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट पर करना है, उसमें भी आपने रिवाइज्ड कैश बुक और डबल बैलेंस मेथड के ऊपर ज्यादा फोकस करना है। फाइनल अकाउंट्स और इसकी एडजस्टमेंट्स, इसमें क्वेश्चन से ज्यादा आप एडजस्टमेंट पर फोकस करें। क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट, डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट, आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड एक्सपेंसेस की, इसी तरह अनअर्न इनकम की, एक्रूड इनकम की, कमीशन की एडजस्टमेंट आ जाती है आपके पास, डिस्काउंट की एडजस्टमेंट आ सकती है, डेटर्स की सबसे इंपॉर्टेंट है, बैड डेट्स और न्यू प्रोविजन गिवन होगी, डेटर्स पर उसका क्या इफेक्ट होगा वो आपने लाजमी सीखना है, और अनरिकॉर्डेड सेल्स भी आपने लाजमी सीख लेनी है कि उसका क्या ट्रीटमेंट होगा। जहां तक बात है क्वेश्चंस की, चैप्टर 11 है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15 और 19, तो क्वेश्चन आपने सॉल्व करने हैं लेकिन एडजस्टमेंट उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपने लाजमी करनी है। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, इसमें 3 से 4 किस्म के एरर्स हैं। इसमें एरर ऑफ कास्टिंग है, एरर ऑफ प्रिंसिपल है, एरर ऑफ पोस्टिंग है और शायद हमारे पास एक और एरर है जो नाम मुझे अभी ज़हन में नहीं आ रहा। तो आपने एरर्स के नाम देखने हैं, उसकी मिस्टेक्स को देखना है, कैसे रेक्टिफाई होंगी वो आपने सीख लेना है। तो एरर में आपने 4 एरर्स सीखने हैं और उनको ठीक करना है। क्वेश्चंस की जहां तक बात है वो आपने क्वेश्चन नंबर 6, 7, 10, 12, 14, 15 और 16, सस्पेंस अकाउंट बनाना न भूलिएगा, लाजमी आपने बनाना है, पेपर में भी वो पूछ सकता है। सिंगल एंट्री सिस्टम है, इसमें आपके पास स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है वो आपको आनी चाहिए, ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल निकालने के लिए स्टेटमेंट ऑफ अफेयर आपको आनी चाहिए, डेप्रिसिएशन, डेटर्स, बिल रिसीवेबल की एडजस्टमेंट, लोन की एडजस्टमेंट, इंटरेस्ट, उसमें आपने लाजमी देखना है कितने मंथ्स का इंटरेस्ट है और कितनी परसेंटेज है, उसी के साथ साथ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की ट्रीटमेंट क्या होगी और किस किस कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकलेगा और कितने मंथ्स का निकलेगा, ये एडजस्टमेंट्स आपने लाजमी सीखनी है। जहां तक बात है क्वेश्चंस की, तो 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये क्वेश्चंस आप प्रिपेयर कर लें, इंशाल्लाह पेपर में आपको लाजमी नजर आएगा। इसके अलावा डेप्रिसिएशन है, स्ट्रेट लाइन मेथड और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड या डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड।
इस चैप्टर में आपने डिस्पोजल वाले क्वेश्चन लाजमी सॉल्व करने हैं, मेरा ख्याल से क्वेश्चन नंबर 6 और 7 है, ताकि आपको डिस्पोजल ऑफ एसेट्स और उसके ऊपर गेन और लॉस निकालने का मालूम होना चाहिए। तो डेप्रिसिएशन वाले चैप्टर में से आपने 3, 4, 6 और 7 करना है। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इसमें इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट, कैपिटल फंड कैलकुलेट करना, और आपको एडजस्टमेंट्स जो है एक्रूड और प्रीपेड और सब्सक्रिप्शन एरियर, ये आपने लाजमी सीखनी है। और क्वेश्चन जहां तक आपने करना है 3, 4, 6, 7 और 8। और लास्ट टॉपिक है हमारे पास कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसमें क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं है, आपने सिर्फ कॉन्सेप्चुअली सीखना है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन से हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन से हैं, उनकी क्या पहचान है और क्या उनकी एग्जांपल्स हैं। आपको पेपर में 5 से 6 ऑप्शन देगा, उसमें आपने देखना होगा कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन सा है और रेवेन्यू कौन सा है, साथ ही साथ आपने उसको रीजनिंग भी दे देनी है। इंशाल्लाह जब हमारे गेस्ट प्रिपेयर करेंगे और पेपर देंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारे गेस्ट में से कितने क्वेश्चंस आए हैं, और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह सारे का सारा पेपर इन्हीं गेसेस में से आपका प्रिपेयर हो जाएगा। तो पेपर देकर कमेंट्स में लाजमी बताइएगा कि हमारे गेस्ट का आपको फायदा हुआ है या नहीं। बाकी बेस्ट ऑफ लक फॉर दी एग्जाम्स। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।